जिज्ञास हो, आज मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य के संदर्भ में दिनांक 19 से 26 जुलाई के मध्य में आने वाले सप्ताह में वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा वो वर्णन करने जा रहा हूँ। वृषभ राशि वाले जो श्रम में लगे हुए व्यक्ति हैं, वो श्रमिक लोग हैं, मेहनत जो करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभदायक समय है। रुका हुआ धन मिल जाएगा, रुका हुआ पैसा मिलने का योग है, साथ साथ में रोग और शत्रुओं का विनाश होगा। और जैसो रोग शत्रु विनाश होने के साथ साथ आपको थोड़ा सा परिवार में क्लेश जो चल रहा है कुटुंब में, वो समाधान नहीं मिल पा रहा है और बढ़ सकता है, धन से संबंधित विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। और खास करके आपका जो संतान बाधा आ सकती है, संतान को थोड़ी शुभ चिंता करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ बाधक बन सकते हैं। और खास करके आठवें घर में आपके गुरुदेव पधार रहे हैं, तो आठवें गुरु आपके लिए क्या करेंगे, अपव्यय तो होगा, खर्च तो होगा, लेकिन मंगलकारी में होगा, अच्छे कार्यों में खर्च होगा, व्यर्थ का खर्च नहीं होगा। कुटुंबीजनों के लिए बहुत उत्तम फलदायक है और धन के योग भी उत्तम बनेंगे। और खास करके आपके लिए उत्तम धन के योग होने के साथ साथ सुख में साधन बनेंगे, सुख साधन अच्छे बन जाएंगे, माता का स्वभाव स्वास्थ्य सब अच्छा रहेगा, भवन निर्माण जो कर रहे हैं उसकी पूर्ति होगी, मित्रों का पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा, इस प्रकार से आपके गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। खास करके आपके शनिदेव विपरीत स्थिति में जो चल रहे थे, योग कारक होते हैं शनि वृषभ राशि वालों के लिए, भाग्य में चल रहे हैं, लाभ मार्ग में बाधा आ सकती है, छोटे भाई बहनों को तकलीफ हो सकती है, उनके रख रखाव भरण पोषण के संबंध में विवाद हो सकता है, और विद्या योग में थोड़ी सी कमी पा रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके रिजल्ट में थोड़ी कमी आ सकती है, और संतान बाधा आ सकती है, संतान को कष्ट के योग बन सकते हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे स्थान पर राहु देव हैं, ये धन में सेंध लगा रहे हैं, गुप्त धन आपका उजागर होने वाला है, गुप्त धन योग आपका उजागर होगा, और साथ साथ में कर्म स्थान में भी थोड़ी बाधा आ सकती है, जो क्षेत्र में प्राइवेट कर्म में लगे हुए मजदूर हैं, लेबर हैं, उनके लिए भी हानिकारक समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है, खास करके आपके लिए फलदायक रहेगा। और आपके मंगल देव जी उत्तम फलदायक ज्ञान में हैं, लाभदायक हैं, आपको शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है क्योंकि आपका मंगल ज्ञान में है। इतना ध्यान रखें, कभी शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए लाभदायक है। और आपके लिए जो वृषभ राशि वालों के लिए 22 और 23 तारीख थोड़ी सावधानी रखना है, ये दोनों तारीखों में आपको उदासीन मन रहेगा, कलह हो सकती है, मित्र विवाद हो सकता है, और मन उदासीन रहेगा, भटकाव में रहेगा। वृषभ राशि वालों के सप्ताह पूरा मंगलमय बीते, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।